मैं छत में आने से ही इन सबको पता चल जाता, बस आ जाते हैं थोड़ी सी सेव खाने के लिए, और उनका इवनिंग स्नैक्स होता है, मैं चाय पीती हूँ और ये उसे खाते हैं मांगते रहते हैं खाने के लिए। देखिए इस गर्मी में हम लोग कोई भी हार्ड फूड प्लांट्स को नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स अभी में तो फ्रूट है, तो उनको तो देना ही पड़ेगा ना, कुछ तो फूड उनको देना पड़ेगा, नहीं तो वो फल को गिरा देंगे। तो इसीलिए मैं क्या क्या ना, थोड़ी सी जो किचन वेस्ट है, मतलब जो सब्जी के छिलके विलके निकले हैं, प्याज और सब्जी और ऐसी अदरक लहसुन और जो भी छिलका निकला है, केले के छिलके, सबको मैंने अच्छे से सुखा लिया। इस समय फंगस होने की बड़ी चांसेस रहती है, तो मैं कच्चे पानी में डाल के लिक्विड नहीं बनाती हूँ, मैं इसको बिल्कुल सुखा लेती हूँ। 3 4 दिन कड़ी धूप में मैं बिल्कुल सुखा ली है इसको और इन सबको, और उसमें मिलाऊंगी। ये यूज्ड चाय के पत्ती है, हम चाय में दूध नहीं डालते हैं, चीनी नहीं डालते हैं, तो मैं डायरेक्टली इसको सुखा के डाल सकती हूँ। और ये थोड़ी सी अंडे के छिलके भी इसमें हैं, सारे को मिला के मैं पानी में इसको भिगोऊंगी। ऐसे आप चाहे तो इसको ग्राइंड भी करके प्रिजर्व कर सकते हो। एक पोटली सी बनाऊंगी मैं इन सारों को मिला के, मतलब जो सब्जी के छिलके, अंडे के छिलके, केले के छिलके और ये सूखी चाय की पत्ती, सबको एक पोटली सी बनाऊंगी। और इस क्योंकि पोटली इसीलिए बना रही हूँ, इसको मैं बार बार यूज़ करूँगी, कम से कम 3 बार तो इससे मैं खाद बनाऊंगी। और फिर उसको एक रॉड में फंसा के, सॉरी ये 30 लीटर पानी का बाल्टी है, और जो मेरे सूखी खाद वो एक एक केजी के जैसा है, तो उसको मैं सारा पानी में भिगो दूंगी। 24 आवर्स मैं इसको पानी के अंदर ही रखूंगी। हाँ, और मिलाऊंगी थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, और ये है नीम की खली, इसीलिए दूंगी कि इस समय कभी थोड़ी सी बरसात हो जा रही है, कभी कड़ी धूप, तो इसमें ये तो फंगस होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन होता है, तो कहीं ना हो। और साफ तो मैं डालूंगी नहीं, मतलब कोई हार्ड फंगिसाइड वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह मैं इस समय बिल्कुल नहीं डालती हूँ प्लांट में। मैं जितना हो सके ऑर्गेनिक और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही मैं प्लांट्स को हेल्दी रखती हूँ। तो नीम की खली 1/2 kg, सॉरी 250 ग्राम, और वर्मी कंपोस्ट 1 kg मैंने इसी पानी में घोल दी है, और इसको अब 24 आवर्स के लिए छोड़ दूंगी। ढक्कन लगाऊंगी पर छेद के साथ, ताकि ये सड़े ना, मुझे सड़ाना नहीं है इसको, सिर्फ इसका मतलब जूस निकालना है। हाँ, आप देखिए 24 आवर्स के बाद ऐसी बनी है जो लिक्विड खाद, और ये बहुत ही प्लांट्स के लिए हेल्दी एंड न्यूट्रिशंस भरी खाद है, और इसको बिना झिझक किसी भी प्लांट में हम लोग डाल सकते हैं, उससे ना तो प्लांट खराब होंगे, ना जलेंगे, ना मरेंगे, और बिल्कुल बिल्कुल लिक्विड है और ऑर्गेनिक भी है, और बिल्कुल पतला भी है, देखिए बिल्कुल पतली सी है। और जो नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट था वो बिल्कुल इससे घुल मिल गया है, तो कोई ऐसे नहीं कि वो मिट्टी के नीचे जाके जम जाएगा, जैसे होता है हम लोग अगर इसको डायरेक्ट मिट्टी में डालेंगे ना, कभी कभी ऐसा होता है मिट्टी के नीचे जाके वो जम जाता है, फिर उसको सड़ा देता है। और ऐसी उसको अच्छी से मैं फेंट लूँगी पहले, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स के जूस जो है अच्छे से मिलजुल जाए, और ये फेंटना बहुत ज़रूरी है ताकि लिक्विड बिल्कुल पतली सी बने, पर हर बूंद में उसका न्यूट्रिशंस भी रहे। और बस नीम की खली तो है ही, तो फंगस होने का कोई डर नहीं है, ना सड़ने गलने पचने का कोई चांसेस है, और प्लांट्स इसको बिल्कुल आराम से पचा लेगी, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो बड़ी सी गमला हो तो 2 2 लीटर आप दे सकते हो, लेकिन ऐसी 12 इंच या 8 इंच का हो तो 1/2 लीटर से 1 लीटर ही दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल। और इस गर्मी में ऐसी मैं प्लांट को हरा भरा रखती हूँ फूल फल के साथ, आप भी कर सकते हो। थैंक